नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं, आज मैं आपका सक्सेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो एक व्यूअर है सुभाष चंद्रा जी, जिनको नया नौकरी लग गया है, टाटा मोटर में नौकरी लग गया है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्या कॉमेंट किया, सर मैं अभी करेंट में आज मल्टी स्किल टेक्नीशियन काम करता हूँ एक स्मॉल कंपनी, आपका वीडियो फॉलो किया और देखा तो अभी मेरा जॉब लग गया टाटा मोटर सनंद अहमदाबाद गुजरात में, सीनियर टेक्नीशियन का जॉब मिला है, सैलरी भी अच्छा है, बट मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और 2 साल से काम कर रहा हूँ, सर मैं क्या करूँ। तो सुभाष चंद्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नया नौकरी लग गया, लेकिन आपने लिखा है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपका मन में थोड़ा सा गम है कि आपको इंजीनियर का नौकरी अभी तक नहीं मिला है। तो मैं आशा करता हूं आप जैसे ही और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे और कुछ सीखेंगे तो दूसरे कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नौकरी मिल जाएगा। देखिए आजकल के ज़माने में नौकरी मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप इंजीनियर का नौकरी को तलाश कर रहे हैं, अभी तक आपको इंजीनियर नौकरी नहीं मिला है, तो ज़रूर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नौकरी मिलेगा। आप और एक्सपीरियंस गेन करें और दूसरे कंपनी में ट्राई करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा आदमी ही बड़ा बनता है एक ना एक दिन। तो मन लगा के काम कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो एक दूसरा व्यूअर है जिनका नाम है नीतू भोक्ता, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके लिखा था कि थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ड्रॉइंग को उसमें समझाया था, तो वो वीडियो देखने के बाद वो मुझे थैंक यू मैसेज भेजे हैं और उन्होंने कुछ सवाल भी मुझे पूछे हैं। तो क्या सवाल पूछे हैं, आई हैव सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, प्लीज क्लियर माई डाउट्स। उनका कुछ डाउट है तो उन्होंने पूछा है, नंबर वन क्वेश्चन, कॉयल में हम डीसी सप्लाई क्यों यूज करते हैं, एसी क्यों नहीं। एंड सेकेंड क्वेश्चन उनका था, एसी सर्किट में हम एक फ्यूज और लिंक यूज करते हैं जबकि डीसी सर्किट में 2 फ्यूज यूज करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन उनका था, मेंटेनेंस के दौरान स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को पैनल के अंदर डिस्चार्ज करें या ब्रेकर को आउट करके डिस्चार्ज करें और क्यों करें। तो देखिए नीतू जी, आप कंट्रोल सर्किट में चाहे एसी भी हो या बीसी भी हो, उसका कंट्रोल सर्किट में आप लोग एसी या डीसी का यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपका एसी कॉयल है तो एसी का कंट्रोल सप्लाई यूज करना पड़ेगा, अगर डीसी कॉयल है तो डीसी का कंट्रोल सप्लाई यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंट्रोल सप्लाई है दोस्तों, कंट्रोल सप्लाई कभी भी ब्रेक ना होना चाहिए, फेल ना हो जाए। तो जब भी पावर फेलियर हो जाता है क्या होता है, एसी पावर फेल हो जाता है। तो अगर आप एसी कॉयल यूज कर रहे हैं, एसी कॉयल के लिए एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूपीएस का प्रोविजन होना चाहिए, पावर बैकअप का प्रोविजन होना चाहिए। मान लीजिए एसी फेलियर हो गया तो उसी समय क्या होगा, 3 फेज सप्लाई चला जाएगा, लेकिन आपका जो कंट्रोल सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको यूपीएस सप्लाई चाहिए। तो अगर आप डीसी यूज करेंगे तो डीसी कहां से लाएंगे, डीसी को यूज करने के लिए आपको चाहिए होगा बैटरी बैंक, तो बैटरी बैंक का यूज करके आप कंटिन्यूअस डीसी सप्लाई ला सकते हैं। तो ध्यान रहे ये सप्लाई कभी भी फेल ना हो जाए, चाहे आप एसी यूज करें या चाहे आप डीसी सप्लाई का यूज करें, ये कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहना चाहिए। और आपका सेकेंड क्वेश्चन था, एसी कंट्रोल सप्लाई में आप फ्यूज एंड लिंक का यूज करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर का सप्लाई में क्या आप फ्यूज एंड लिंक का यूज करेंगे। तो आपको फ्यूज पॉजिटिव के लिए फ्यूज यूज करना चाहिए और नेगेटिव के लिए लिंक यूज करना चाहिए। तो एयर सर्किट हो या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, यहां पे आप लोग लिंक का भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल या नेगेटिव के लिए आप लिंक का यूज कर सकते हैं और फेज के लिए या पॉजिटिव के लिए आप फ्यूज का यूज कर सकते हैं। और आपका थर्ड क्वेश्चन था कि ब्रेकर को मेंटेनेंस करने के दौरान पैनल के अंदर स्प्रिंग चार्जिंग को डिस्चार्ज कर देना चाहिए या उसको रैक आउट करके स्प्रिंग को डिस्चार्ज करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको सेफ्टी का इंश्योर करना है, सेफ्टी इसीलिए कि अगर आप मेंटेनेंस काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है और आप गलती से सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिए, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, आपको एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए आपको सही प्रोसीजर का फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर है, जब भी सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करें तो पैनल का अंदर में आप लोग एक बार सर्किट ब्रेकर को क्लोज एंड ट्रिप कर दें और उसी दौरान क्या करें, पहले स्प्रिंग चार्जिंग का फ्यूज को निकाल लें,
स्प्रिंग चार्जिंग का फ्यूज को अगर आप निकाल देंगे तो स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा, वहां पे सप्लाई नहीं जाएगा, मोटर में सप्लाई नहीं जाएगा और स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का फ्यूज को वहां से निकाल दें, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को क्लोज एंड ट्रिप कर दें, और उसके बाद और एक बार आप जब सर्किट ब्रेकर को रैक आउट कर दीजिए तो उसी कंडीशन में और एक बार सर्किट ब्रेकर को क्लोज करके देखें। तो मान लीजिए सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया, उसका मतलब है कि स्प्रिंग डिस्चार्ज नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं बोला आपको, जब भी आप काम करें तो सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें और दो बार स्प्रिंग चार्जिंग को इंश्योर करें कि स्प्रिंग सही से डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला होगा। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।